रेखी बात, स्वागत है आप सभी का। देश के पांचवें धाम के नाम से प्रसिद्ध देपालपुर के 24 अवतार मंदिर में चल रहे सातवें वार्षिक महोत्सव का भव्य समापन हुआ। इस दौरान भगवान राम के भजन ये चमक ये दमक के भजन से प्रसिद्ध हुए मशहूर भजन गायक पंडित सुधीर व्यास देपालपुर के 24 अवतार मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने मंच पर अपने शुभ मधुर भजनों से समा बांध दिया। जब उन्होंने मंच से ये चमक ये दमक भजन सुनाया तो मौजूद जनता मंत्रमुग्ध हो गई और मैदान तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। बड़ी पहला ऐसा मंदिर है जहाँ ठाकुर जी के सभी रूपों के दर्शन होते हैं। बड़ी आस्था है लोगों में इस मंदिर के प्रति। यहाँ जो गुरुदेव ने जो ये किया है और जो भगवान का जो स्वरूप यहाँ बिठाए हैं, बड़े अद्भुत हैं और बड़ा दर्शनों में आनंद आता है। मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि चित्त भाई का फोन आया कि आपको वहाँ करना है, लेकिन ठाकुर के दरबार में पहले करें। मैं वृंदावन पर आया हूँ, राधा वल्लभ मंदिर में कार्यक्रम था, दीप करोरी आश्रम में मेरा कार्यक्रम था। बड़े बड़े संस्थाओं में ठाकुर जी बुला रहे हैं।